Hello viewers, welcome to my channel. In this video, I am going to solve on-demand question which is for class 7 which is taken from R.D. Sharma book chapter 15 example 3. Question which is a 15 meter long ladder is placed against a wall in such a way that the foot of the ladder is 9 meter away from the wall. Up to what height does the ladder touch the wall? यहाँ पे बोला जा रहा है कि कोई दीवार है, है ना? कोई दीवार है, ये मैंने दीवार को मान लिया A, B, एक दीवार है, है ना? 15 जो लैडर की हाइट है, यानी लैडर यानी कि सीढ़ी लगी हुई है, सीढ़ी जो लगी हुई है इसकी हाइट जो है यहाँ पे गिवेन है वो है 15 मीटर. ओके, अगेंस्ट अ वॉल सच अ वे दैट द फुट ऑफ लैडर, मतलब इस लैडर का फुट और इस दीवार के निचले पार्ट का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 9 मीटर. और इसे हमने, ये जो लैडर का फुट है उसे हमने सी मान लिया. हम सिर्फ, हमें फाइंड करना है ए बी. ए बी क्या होगा, यानी कि ये जो लगा हुआ है सीढ़ी, वो दीवार का, जिस दीवार पे लगा हुआ है वहां जहां तक वो लगा हुआ है उसकी मेजरमेंट क्या होगा. ये हमारा फिगर है. लैडर को आप थोड़ी सी इस तरीका से भी बना सकते हो, है ना? तो थोड़ा ये क्या हो जाता है कि देखने में थोड़ा खूबसूरत हो जाता है, है ना? ये रहा लैडर, लैडर लगी हुई है इस दीवार पे. अब बोला जा रहा है लैडर की हमें हाइट गिवन है. यहाँ दीवार जो होती है वो सीधी होती है, सीधी होती है अगर ये, यानी कि वो एल्टीट्यूड होता है तो यहाँ पे एंगल जो बनाता है वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है. जब कोई ट्राइंगल 90 डिग्री का एंगल, एक एंगल उसकी 90 डिग्री होती है, तब वो ट्राइंगल जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल होते हैं. और राइट एंगल ट्राइंगल के लिए एक पाइथागोरस फॉर्मूला है, उससे हम दो, कोई भी साइड अगर गिवेन होता है, या तो हाइपोटेन्यूस बेस, या तो फिर हाइट और बेस, मतलब दो तीन में से कोई भी दो, हमें दो मेजरमेंट गिवेन होते हैं, थर्ड फाइंड करना होता है, तो हम पाइथागोरस फॉर्मूला से फाइंड कर लेते हैं. तो लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन, है ना? ओके, लेट A B the height of wall and AC AC is length of ladder CB foot distance हो गया CB. now ये hypotenuse किसे कहते हैं? तो hypotenuse वो साइड को कहते हैं जो 90 डिग्री एंगल होता है उसके जो ओपोजिट साइड होता है उस साइड को हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं. हाइपोटेन्यूज राइट एंगल ट्राइंगल का लॉन्गेस्ट साइड होता है. तो यहाँ पे हमारा हाइपोटेन्यूज क्या है? ए सी, ओके, बाय पाइथागोरस थ्योरम, विच इज, उसमें क्या होता है हाइपोटेन्यूज, उसका फॉर्मूला होता है क्या कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू में बेस का स्क्वायर प्लस में हाइट का स्क्वायर. तो हाइपोटेन्यूज हमारा क्या है? एसी का स्क्वायर इक्वल टू बेस क्या है? सीबी का स्क्वायर. देन हमारा हाइट क्या है? वो है एबी का स्क्वायर. हमें फाइंड करनी है एबी फाइंड करनी है, तो इस सीबी को क्या करेंगे, हम हाइपोटेन्यूज से माइनस कर देंगे. एबी स्क्वायर, लेकिन ऐसे भी लिख सकते हैं एसी स्क्वायर माइनस में सीबी स्क्वायर. ए बी का जो वैल्यू है वो 15 स्क्वायर इक्वल टू में ए बी की तो वैल्यू हमें फाइंड करनी है. ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी की स्क्वायर 15 स्क्वायर माइनस में 9 का स्क्वायर.
AB का स्क्वायर, इस स्क्वायर को हम यहाँ से हटा देंगे और दूसरे साइड में उसे अंडर रूट कर देंगे। 15 15 15 225 9 9 81 AB = इसे माइनस करोगे तो ये 4 और 40, ओके, अंडर रूट AB जब हम रूट को कैंसिल करेंगे इट मीन्स क्या है कि हम 144 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन विच इज 7 2 2 3 6 2 18 2 9 3 3 3 5 We can write like this: 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3। अब हम एक रूट से रूट को हम कैसे ब्रेक करते हैं, तो पेयर एक एक पेयर बन गया है ना, ये तीन पेयर बने और इसमें से हम एक 2 लेंगे है ना, 2 और इसमें से भी एक पेयर में से फिर लेंगे और ये भी पेयरिंग है, इसमें से एक लिया है। AB इक्वल टू और हमें जो दिया हुआ है मीटर में, यानी कि 2 × 2 = 4 4 × 3 = 12 मीटर। हेंस हमने इसका जो हाइट होगा, ये जो लैडर लगी हुई है जिस दीवार पे, उस दीवार का जो मतलब जहां पे लगी हुई है वहां तक की जो हाइट है ये हो जाएगा 12 मीटर। आई होप सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दे, लाइक और शेयर करना ना भूलें।